उनको इस तरह से माफी मांगनी चाहिए। बागेश्वर धाम की आज पूजा होती तो वो भी भगवान नहीं है, वो संत है। इसी के बारे में गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भी एक संत हैं, आप भी एक संत हैं, उनके ऊपर FIR करने की जरूरत है, ना कि ऐसी टिप्पणी करके समाज को तोड़ना। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा, अभी बागेश्वर बाबा लगातार अपने बयानों के बाद सुर्खियों में हैं। अभी हाल फिलहाल उन्होंने शिरडी के शाही बाबा को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे पूरे देश के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति खासी गर्म हो गई है। बागेश्वर बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि शाही बाबा फकीर हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वो राजनीति होने लगी है, और अब जो साईं भक्त हैं उनकी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, और जो साईं भक्त हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और बागेश्वर धाम के खिलाफ FIR की बात तक हो रही है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ तौर पर कहा कि जो गीदड़ होता है, गीदड़ की खाल या भेड़िए की खाल पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता है, तो निश्चित तौर पर इस तरीके का जो बयान है वो साईं भक्तों को कहीं ना कहीं निराश करेगा, हताश करेगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो इस तरीके का बयानबाजी संत जो हैं, आचार्य बागेश्वर धाम भी आखिर लोगों की अच्छी खासी भीड़ है, लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, इस तरीके के बयानबाजी के बाद अब साईं भक्तों में कितना आक्रोश है, ये बताइए। जो इस तरीके का बयान आया है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, आजकल एक बड़ा प्रचलन हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को थोड़ा सा हाईलाइट करना हुआ तो किसी संत के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी मजहब के बारे में, किसी जाति के बारे में एक गंदा कमेंट कर दो, मीडिया उसको तूल पकड़ा दी। ये सरासर गलत है। बाबा जी ने जो बोला है कि बागेश्वर धाम ने जो कहा कि भेड़िए का खाल, एक संत के बारे में और एक संत होकर ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है, और उनको इस तरह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि साईं संत हम मानते हैं कि आप भगवान नहीं मानते हो, चलो ठीक है, लेकिन एक साईं संत मतलब भगवान मतलब कौन होता है? भगवान वही है जो भगवान के मार्ग पर चले, अच्छे कर्मों को करे, उसी को संत या भगवान हम मानते हैं, उसी की हम पूजा करते हैं। बागेश्वर धाम की आज पूजा होती तो वो भी भगवान नहीं है, वो संत है, संत के वेशभूषा में है, इसलिए उनकी पूजा होती है। तो किसी संत के बारे में, किसी धर्म के बारे में इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना गलत है, और बाबा जी अपने आप को हाईलाइट रखने चाहते हैं, अभी यंग है तो थोड़ा सा उनका कुछ अलग ही रुतबा रहता है, आए दिन वो कुछ न कुछ ऐसे गलत कमेंट करके मीडिया में बने रहते हैं, उनको पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने साईं भगवान के बारे में बोला। बागेश्वर धाम के खिलाफ FIR दर्ज करने तक की भी मुहिम छेड़ दी है, लोगों का ये आरोप है कि जिस तरीके की बयानबाजी हो, ये बंद कमरे में करें इस तरीके की राजनीति, कहाँ तक सही मानते हैं इस तरीके की बयानबाजी? देखिए, उन्होंने जो बोला अपने स्तर से बोला होगा, लेकिन बाबा ने जो बोला साईं बाबा के बारे में उन्होंने बिल्कुल गलत बोला है। साईं बाबा के बहुत लोगों की आस्था है, हम भी रखते हैं, किसी के बारे में गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने किया है तो इसका निंदनीय, उनके ऊपर FIR करने की ज़रूरत है और करनी भी चाहिए। किसी भी भगवान या किसी के भी हम नहीं कहते कि आप कहिए को क्या हैं, वो भी एक संत हैं, आप भी एक संत हो, लेकिन संत की मर्यादा बनाए रखिए, किसी के बारे में गलत विचार न रखिए, मेरा यही कहना है। उन्होंने जो शब्द बोला बागेश्वर धाम बाबा ने, बहुत ही गलत ही और निंदनीय है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। क्या लगता है आपको कि इस तरीके की बयानबाजी के बाद क्या जिस तरीके से राजनीति गरमाई है, कहीं ना कहीं साईं भक्तों की जो आस्था है उनके उसके साथ भी खिलवाड़ हुआ? जी बिल्कुल, 100% साईं भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनको बुरा लगना जायज़ था। और मैं उस समुदाय से ताल्लुक तो नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं अन्य समुदाय का होने के बावजूद भी कह सकता हूँ कि हर समुदाय की अपने जो भी उनके इष्ट होते हैं उसमें आस्था होती है, तो किसी भी समुदाय के खिलाफ ऐसी कोई भी टिप्पणी करना बड़ी अमर्यादित है और इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि जो बागेश्वर धाम को मानते हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को मानते हैं, उनको भी चाहिए कि इस कृत्य की वो निंदा करें, आगे आएँ, क्योंकि देखिए संत का काम होता है समाज को जोड़ना, ना कि ऐसी टिप्पणी करके समाज को तोड़ना, तो निश्चित ही इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। अभी सुर्खियों में करौली बाबा और बागेश्वर बाबा, दोनों के विचारों की अगर बात करें तो कहाँ तक सहमत हैं दोनों से? जी मैं तो दोनों को सुनता हूँ थोड़ा बहुत, आजकल तो यूट्यूब पे सब वीडियो मिल जाते हैं, तो जहाँ तक मैंने सुना है, कुछ वीडियो देखे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए, अपने भक्त बनाने के लिए आजकल एक होड़ सी मची हुई है। लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉम्पिटिशन जैसे चलता है, जैसे सेल्स का काम होता है, लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बने, उसी तरीके से आजकल बाबा लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग अनुयायी बने, उनके आस्था से जुड़े, उनके विचार से जुड़े। लेकिन एक अच्छे स्तर से, एक अच्छे तरीके से भी लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, लोगों को समाज को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि देखिए कट्टरता फैला के समाज में किसी का कभी भला नहीं होता, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई संत हो। और राजनीतिक पार्टी, यहाँ तक नेता का सवाल है, तो चलिए समाज को बांटना करना ये तो आम होता रहा है,
लेकिन जहाँ तक संत की बात है, संतों को चाहिए समाज को इकट्ठा करें, समाज को जोड़ें, एक अच्छी राह दिखाएं। बिल्कुल, तो लोगों का भी यही कहना है कि जो संत होते हैं उनका काम होता है लोगों को राह दिखाना, सही रास्ते पर चलना, और ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी जो आचार धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से की गई है निश्चित ही वो घोर निंदनीय है और इस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपमान किया है उन भक्तों का जो दूर दूर से भारी संख्या में शिरडी तक पहुँचते हैं और साई भक्त में जाकर अपनी आस्था को में अपना शीश नवाते हैं। विवेक पांडे, सौगंध टीवी, प्रयागराज। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।